ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्टूडेंट्स इंग्लिश में स्टेटमेंट इस तरह है जी, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। स्टूडेंट्स पंजाबी में स्टेटमेंट इस तरह है जी, यशपाल ने एक टेस्ट विच 40 अंक प्राप्त किए जदों उसनू सही उत्तर दे 3 अंक मिले अते गलत उत्तर दे 1 अंक की कटौती की गई। जेकर उसनू सही उत्तर दे 4 अंक मिलन अते गलत उत्तर दे 2 अंक कटे जान तां ओ 50 अंक प्राप्त करता है। टेस्ट विच किन्ने प्रश्न सन ये आपां पता करना है। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन नू आपां इंग्लिश अते पंजाबी दोनों मीडियम विच सॉल्व करांगे इस वीडियो विच। ते इस क्वेश्चन दे विच अपना टेस्ट विच टोटल किन्ने क्वेश्चन सन वो फाइंड आउट करने हैं। ते यश ने जो वो टेस्ट कीता है उस दे विच जो उसके पहले कंडीशन विच उसके जो मार्क्स आए हैं वो 40 आए हैं ते दूसरी कंडीशन दे विच जो उसके मार्क्स आए हैं वो 50 आए हैं। ते आओ देखते हैं कि इस क्वेश्चन आप किस तरह सॉल्व करना है। पहला आप मान के चलना है कि किन्ने क्वेश्चन उसके सही हैं ते किन्ने क्वेश्चन उसके गलत हैं ते फिर आप लास्ट विच फाइंड आउट करना है कि उस टेस्ट दे विच टोटल किन्ने क्वेश्चन सन। ते आओ करते इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स आप मान लेने हैं जो यश है उसने किन्ने क्वेश्चन के सही आंसर दिते हैं उसको आप एक्स मान लेने हैं एंड नंबर ऑफ रोंग आंसर्स किन्ने क्वेश्चन जो है वो यश के गलत हुए हैं उसको आप वाई मान लेने हैं। तो आप फाइंड आउट की करना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप किस तरह पता लगनगे एक्स प्लस वाई क्योंकि इन्ने क्वेश्चन उसके सही हैं इन्ने क्वेश्चन उसके गलत हैं। तो टोटल क्वेश्चन किन्ने होंगे अपने को टोटल क्वेश्चन हैं अपने को एक्स प्लस वाई जो कि आप इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन दी हुई हैं। पहली कंडीशन विच जो मार्क्स हैं वो देख लेने हैं तो दूसरी कंडीशन दे विच भी जो अपन मार्क्स दिते हैं वो देख लेने हैं। पहली कंडीशन विच है कि अगर आंसर सही है तो उसके अपन 3 मार्क्स हैं, अगर आंसर गलत है तो उसके अपने को 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट होने का मतलब है कि उसके केस विच आपां माइनस कर देना है 1 नंबर। तो जो दूसरी कंडीशन है उसके विच अगर क्वेश्चन सही है ਤਾਂ ਉਸਦੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ -2 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਐਕਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹਨ 3 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3x ਉਸਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਉਹ 40 ਹਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਸਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਐਕਸ 3x ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ ਮਾਈਨਸ ਗਲਤ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਰਹੇ 1 ਮਾਰਕ ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1y ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ 40 ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਉਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਇਟ ਮੀਨ 4x ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗਲਤ ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਗਲਤ ਆਨਸਰਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਡਿਡਕਟ ਹੋਣਗੇ 2 ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ -2 ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ -2y ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਗਲਤ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ 50। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। 3x -1y = 40
4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। हुण इसनों आपां एलीमिनेशन मैथड नाल सॉल्व करना है। इथे x दे जो कोफिशियंट सन उन्होंने आपां उपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इस जगह 4 है तो 4 नूं इस नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 नूं इस नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने को कितना आ जाएगा, हम 4 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो ये 12x आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 160। इस तरह इसको 3 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 150। हुण एलीमिनेशन मैथड विच आपां की करना हुंदा है, पहला आपां कोफिशियंट्स इक्वल कर ले हन, फिर आपां साइन चेंज करने हुंदे हन। फर्स्ट इक्वेशन एज इट लिखनी है, तो जो सैकेंड इक्वेशन है उसके आपां साइन चेंज कर देने हैं सारे ही। तो इसनों आपां देखांगे कि प्लस 12 माइनस 12 कैंसल हो जाएंगे, ये अपने को आ गया 2y इज इक्वल टू 10। हुण y अपने को कितना आएगा, 2 दे नाल इस तरह डिवाइड कर देंगे तो y अपने को आ जाएगा 5। हुण y इज इक्वल टू 5 नूं आपां कित्थे फिल कर देना, इक्वेशन नंबर 1 विच। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 दे विच जदों आपां y नूं पुट करांगे तो ये अपने को की आ जाएगा, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 40। इट मीन 3x ए 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 40 प्लस 5 3x इज इक्वल टू 45। इट मीन x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। इन्हों हम अपन डिवाइड कर देंगे 45 दे नाल कटिंग कर देंगे तो x अपने को आ जाएगा 50। हुण x ते y दी अपने को वैल्यू आ गई है, आपां फाइंड आउट करने हैं टोटल क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट विच टोटल क्वेश्चन कितने सन, अपने को x प्लस y, x दी वैल्यू 15 आई है, y अपने को 5 है, 15 प्लस y अपने को कितना आ गया है 20। इट मीन वो जो टेस्ट थी उस टेस्ट के विच टोटल कितने क्वेश्चन सन, 20 क्वेश्चन। तो आओ हम सेम क्वेश्चन आप पंजाबी विच सॉल्व करते हैं, आओ हम क्वेश्चन पंजाबी विच सॉल्व करते हैं। डियर जेकर तुसी मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो इस नूं सबसक्राइब भी कर दिओ, बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नैक्सट वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं मिल सके। तो आओ हुण आपां इसनूं पंजाबी विच सॉल्व करते हैं। तो आपां नूं क्वेश्चन दे विच की कहा गया है, क्वेश्चन दे विच आपां की फाइंड आउट करना है, टेस्ट दे विच कुल किन्ने क्वेश्चन पूछे गए सन। तो आपां नूं दो इस दे विच कंडीशनां दित्तियां गईयां हन, पहली कंडीशन दे विच सही आंसर दे कुछ मार्क्स दिते गए हैं तो गलत आंसर दे भी कुछ मार्क्स दिते गए हैं, कुछ नंबर कट लए गए हैं। तो दो कंडीशनां इस दे विच, दोनों कंडीशनां दे विच आपां नूं सही क्वेश्चन ते गलत क्वेश्चन दे कुछ मार्क्स डिडक्शन की गल की गई है। कि पहली कंडीशन विच सही क्वेश्चन दे इन्ने मार्क्स हैं तो गलत दे इन्ने कट्टे गए, दूसरी कंडीशन दे विच फिर आपां नूं दस्सिया गया है कि जेकर सही क्वेश्चन दे इन्ने मार्क्स हैं तो गलत क्वेश्चन दे इन्ने मार्क्स हैं। तो आपां वो क्वेश्चन दे विच आपां नूं दो कंडीशनां दित्तियां गईयां हैं, तुसीं उपर पढ़ते हो कि पहली कंडीशन दे विच जो यशपाल है उसके 40 मार्क्स आए हैं तो दूसरी कंडीशन दे विच अपने को 50 मार्क्स आए हैं। तो आपां पता करना है कि उस टेस्ट दे विच टोटल किन्ने क्वेश्चन सन। तो कुछ क्वेश्चन यशपाल ने गलत अटैम्प्ट किए हैं उसके गलत हैं, तो कुछ क्वेश्चन उसके सही हैं। तो आप मान के चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लो सही उत्तरां दी संख्या, जो सही उत्तर हैं वह किन्ने हैं यश दे, एक्स अते गलत उत्तरां दी संख्या किन्नी है वाई, ते कुल प्रश्न किन्ने पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर दे विच उस टेस्ट दे विच, कुल प्रश्न जो हैं वह किन्ने आ गए हैं एक्स प्लस वाई। एक्स उत्तर सही हैं ते वाई उत्तर गलत हैं, कुल प्रश्न अपने को आ गए एक्स प्लस वाई, जो कि आपां पता करने हैं उस टेस्ट दे विच कुल किन्ने प्रश्न पूछे गए सन। तो हुण प्रश्न के अनुसार आपां नूं दो कंडीशनां दित्तियां गईयां हन, पहली कंडीशन अते दूसरी कंडीशन। हुण इस दे विच नंबरां दी गल करदे हां, जेकर क्वेश्चन सही है पहली कंडीशन दे विच तां उसके तीन नंबर दिते गए हैं, अगर जेकर क्वेश्चन गलत है तो उसका एक नंबर कट लिया गया है। इस तरह इधर भी नंबरां दी गल करदे हां, जेकर दूसरी कंडीशन दे विच कहा गया है कि जेकर सही क्वेश्चन है तो उसके चार नंबर मिलने, जेकर गलत क्वेश्चन है तो उसके दो नंबर कट लै जाएंगे। तो पहली कंडीशन दे विच जो यश है उसके 40 नंबर टोटल बने हैं, तो दूसरी कंडीशन विच यश के किन्ने नंबर बने हैं, जेकर इस हिसाब के नाल उसनू मार्क्स मिलन, सही क्वेश्चन के चार ते गलत क्वेश्चन के दो नंबर कटे जाए
ते उसके नंबर 50 बन जाते हैं। जेकर नंबर इस तरह गिने जा कि सही क्वेश्चन के 3 नंबर दिते जा गलत क्वेश्चन के 1 नंबर कट लिया जाए तो उसके 40 नंबर बनते हैं। तो आओ देखते हैं कि इसको आपां हुण रेखी समीकरण जोड़े विच किस तरह लिखना है। सही क्वेश्चन के 3 नंबर हैं तो सही क्वेश्चन किन्ने हैं एक्स, इसका मतलब नंबर किन्ने बन गए 3x। इसको ध्यान नाल देखना, सही क्वेश्चन के नंबर हैं 3 तो सही क्वेश्चन किन्ने हैं एक्स, इसको 3x बन जाएगा, नंबर की गिनती आ जाएगी अपने को। इस तरह गलत क्वेश्चन अपने को किन्ने हैं वाई, तो गलत क्वेश्चन के किन्ने नंबर कट्टे जाते हैं -1 वाई, इसको इस गुणा कर देना, इसको इस गुणा कर देना, बराबर उसके नंबर किन्ने बने हैं 40। इस तरह इधर देखते हैं सही क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, सही क्वेश्चन हैं एक्स, ये बन जाएगा 4x, तो गलत क्वेश्चन के 2 नंबर कट्टे जाते हैं 2y, बराबर किन्ने नंबर बने हैं 50। तो हुण इसनूं आपां समीकरणों का जोड़ा अपने को बन गया है, ये समीकरणों के जोड़े को हल करना है तो एक्स ते वाई की आपां मुल कढ के इत्थे भर देना है तो अपने को आ जाएगा कुल प्रश्नों की गिनती किन्ने हैं। तो आओ इसनूं हुण सोल्व करते हाँ विद द हैल्प ऑफ विलोपन विधि। तुसीं विलोपन विधि के क्वेश्चन मैं पहला भी काफ़ी बार करवा चुका हाँ, तुहानूं विलोपन विधि नाल इसनूं आपां हल करते हाँ। विलोपन विधि विच की करना हुंदा है, जेकर एक्स दे जो गुणाक हैं वह बराबर नहीं हैं तो उन्होंने उपर नीचे अदर बदल के आपां गुणा कर देना हुंदा है। तो ये अपने को कितना आ जाएगा 4 दे नाल गुणा करांगे 12x-4y=160। तो इस तरह 3 दे नाल ये सारे गुणा करांगे, ये भी अपने को आ जाएगा 12x-6y=150। हुण अगले स्टैप विच आपां की करना हुंदा है, जो पहली समीकरण है उसनू इसे तरह रख लेना है, दूसरी समीकरण दे आपां साइन चेंज कर देने हैं सारे ही -150। हुण इस दे विचे कटिया जाएगा 6y दे विचों 4y कटा 2y, 160 दे विचों 150 चलेगा तो 10। हुण y किधर आएगा 10/2 कटिंग करके अपने को 5 आ गया, y बराबर 5 है, इसका मतलब जो गलत क्वेश्चन हैं वो 5 हैं। हुण सही उत्तर किन्ने हैं उन्होंने आप गिनती पता करनी है, इस वाई बराबर 5 नूं आपां समीकरण 1 विच भर देना है, वाई बराबर 5 नूं समीकरण 1 विच भरन ते हुण समीकरण 1 अपने को कि है ए वाली है 3x-1y=40। 3x-1y है इसका मतलब कला वाई है, वाई अपने को 5 है जो आपां भरना है, बराबर किन्ना है अपने को 40। 3x=40 ए 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x=45 इट मीन एक्स कितना आ गया 45/3 कटिंग करके 15, इसका मतलब एक्स अपने को 15 आ गया है। सही उत्तरां की संख्या 15, गलत उत्तरां की संख्या अपने को 5 आ गई है, मतलब कुल प्रश्न किन्ने होने हैं टेस्ट विच, कुल प्रश्न की जो संख्या है वह कितनी है x+y, एक्स अपने को 15 है वाई 5 है, इट मीन टोटल अपने को क्वेश्चन किन्ने आ गए हैं उस प्रश्न टेस्ट विच 20 क्वेश्चन। तो होप स्टूडेंट तुहानू ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लग गया होगा, मैं काफ़ी ईजी भी ना करवाने की कोशिश की है। जेकर वीडियो तुहानू अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर कर देना, बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद।